आप देख रहे हैं दखल न्यूज। राहुल गांधी ने फिर दिया मोदी पर आपत्तिजनक बयान, कहा मोदी जी की सोच गुटसे जैसी। जामिया इलाके में नागरिकता सीएए के विरोध में रैली, गोली चली, एक छात्र घायल। कोरोना की भारत में दस्तक, चीन से लौटे केरल के एक छात्र में कोरोना वायरस का संक्रमण। आगर मालवा विधानसभा सीट से भाजपा विधायक मनोहर ऊंटवाल का निधन, ब्रेन हैमरेज से हुई मौत। और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया कंप्यूटर बाबा का विरोध, कहा बाबा को समाधि के लिए प्रशासन जमीन दे। नमस्कार, मैं हूं सत्यम शर्मा, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक आपत्तिजनक बयान सामने आया है। राहुल गांधी का कहना है, नरेंद्र मोदी में इतना साहस नहीं है कि वे यह कबूल कर सके कि वे गोडसे की सोच में विश्वास रखते हैं। कांग्रेस नेता और केरल की वायनाड सीट से सांसद राहुल गांधी हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी करते रहते हैं। चुनाव से पहले ही राहुल के मोदी पर किए गए कमेंट से लोग इस कदर नाराज हुए थे कि लोकसभा चुनाव में राहुल को मुंह की खानी पड़ी थी। राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया है। राहुल ने केरल के केलपेट्टा में आयोजित एक रैली में कहा, नाथूराम गोडसे और नरेंद्र मोदी की सोच एक जैसी है, कोई फर्क नहीं है, सिवाय इस बात के कि नरेंद्र मोदी में इतना साहस नहीं है कि वे यह कबूल कर सके कि वे गोडसे की सोच पे विश्वास रखते हैं। नथुराम गोडसे, नरेंद्र मोदी, दे बिलीव इन द सेम आइडियोलॉजी, देयर इज नो डिफरेंस एक्सेप्ट नरेंद्र मोदी डज नॉट हैव द गट्स टू से ही बिलीव्स इन नथुराम गोडसे। आई डोंट नो इफ यू नो, but when Nathuram Godse shot Mahatma Gandhi, he did not look in his eyes, because a liar, a coward can never look at the truth. दिल्ली के जामिया इलाके में सीए के विरोध में होने जा रही रैली से ठीक पहले एक युवक ने गोली चला दी। इस घटना में एक युवक घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि शाबाद आलम के हाथ में गोली लगी है, वहीं गोली चलाने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के विरोध में जामिया से राजघाट तक मार्च निकाला गया। हालांकि मार्च जैसे ही आगे बढ़ना शुरू हुआ, एक युवक वहां दौड़ते हुए पहुंचा और गोली चलाने से पहले तमंचा लहराने लगा। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि वह युवक सुनहरे रंग का कट्टा लिए था और उसने गोली मारने से पहले कहा था कि आओ मैं तुम्हें आजादी दिलाता हूँ। बताया जा रहा है कि वह मार्च के आगे दौड़ते हुए पहुंचा था। उसने दिल्ली पुलिस से केवल 10 मीटर की दूरी पर शादाब पर गोली चलाई है। इसके बाद पुलिस ने गोली चलाने वाले युवक को हिरासत में ले लिया है। हमलावर अपना नाम गोपाल बता रहा है। पुलिस हमलावर के दावे की जांच कर रही है। घायल छात्र की पहचान शादाब के तौर पर हुई है। हैरान करने वाली बात यह है कि इतनी कड़ी सुरक्षा के व्यवस्था के बाद भी गोली चली। पूरे मार्च वाले इलाके में भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती है, फिर भी आरोपी युवक ने खुलेआम बंदूक से गोली चलाई है। चीन से लौटे केरल के एक छात्र में कोरोना वायरस का संक्रमण पाया गया है। यह छात्र वुहान यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और हाल ही में चीन से भारत लौटा है। इसके बाद देश भर में चिकित्सकों को अलर्ट कर दिया गया है। भारत में कोरोना वायरस का पहला पॉजिटिव मामला सामने आया है। चीन से लौटे केरल के एक छात्र में कोरोना वायरस का संक्रमण पाया गया है। वुहान यूनिवर्सिटी का यह छात्र हाल ही में चीन से भारत आया है। केरल के एक अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। बढ़ते खतरे के बीच भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है। आयुष मंत्रालय की ओर से जारी एडवाइजरी में एहतियाती उपाय बताए गए हैं और कहा गया है कि होम्योपैथ और यूनानी चिकित्सा में कोरोना वायरस का कारगर इलाज उपलब्ध है। आयुष मंत्रालय ने कहा कि कोरोना वायरस की रोकथाम में होम्योपैथी और यूनानी दवाएं कारगर हो सकती हैं। इन दवाओं के जरिए चीन में 100 से ज्यादा लोगों की जान बचाई गई है। वहीं चीन में हालात और बिगड़ गए हैं। चीन में 132 मरीज सामने आने के बाद सरकार ने सेना बुला ली है। एडवाइजरी में कहा गया है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियात के तौर पर आर्सेनिक एल्बम 30 को रोजाना खाली पेट 3 दिनों तक
लिया जा सकता है। संक्रमण कायम रहने पर एक महीने बाद इसकी खुराक को दोबारा लिया जा सकता है। इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी की रोकथाम के लिए इस दवा की खुराक ली जा सकती है। इसमें आयुर्वेदिक और यूनानी दवाओं तथा घरेलू उपायों का भी जिक्र किया जा रहा है। अगस्त, हरितकी, शेषमणि, बटी, त्रिकुट और तुलसी की पत्तियां और तिल के तेल जैसी दवाओं को उपयोगी बताया गया है। भोपाल के जंगल में 18 बाघ हैं। इनके अलावा अब्दुल्लागंज, सीहोर और रायसेन के जंगल से भी बाघों का भोपाल के जंगलों में आना जाना लगा रहता है। इनकी आबादी बढ़ती जा रही है। इन्हें जंगल के भीतर शिकार के लिए हिरण, चीतल जैसे वन्य प्राणी नहीं मिल रहे हैं। नीलगाय भी गिनी चुनी है, इसलिए ये शिकार की आड़ में शहर तक पहुंच रहे हैं। इससे बाघ और मानव के बीच आपसी संघर्ष की नौबत आ गई है। राजधानी के जंगल में शुरू से ही बाघ रहे हैं, लेकिन पहले ये आबादी के आसपास नहीं दिखते थे, पर अब ये शहर के अंदर तक आ रहे हैं। 25 व 26 जनवरी की रात एक बाघ कोलार रोड स्थित भोज विश्वविद्यालय के कैंपस में आ गया था। गनीमत रही कि वह बिना जनहानि किए लौट गया। वन्य प्राणी विशेषज्ञ इन घटनाओं को असामान्य मान रहे हैं। उनका कहना है कि इसका एक मुख्य कारण जंगल के भीतर शाकाहारी वन्य प्राणियों की कमी होना है, जिसके कारण बाघ तेंदुए भोजन की तलाश में शहर के अंदर तक पहुंच रहे हैं। पूर्व PCCF वन्य प्राणी विभाग जितेंद्र अग्रवाल ने 2 साल पहले भोपाल CCF को सलाह दी थी कि जंगल के अंदर घास के मैदान विकसित करें। उसके बाद सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से शाकाहारी वन्य प्राणी हिरण, चीतल लाकर छोड़े जाएं, लेकिन अभी तक यह काम नहीं हुआ है। वन्य प्राणी विशेषज्ञ कहते हैं कि जंगल में 18 बाघ हैं, 2 शावक इनमें शामिल नहीं हैं। आए दिन नए बाघ भोपाल के नजदीक पहुंच रहे हैं, इनकी आबादी और बढ़ेगी। ऐसे में इन्हें अधिक व सुरक्षित जंगल की जरूरत होगी, जो कि संभव नहीं है। जंगल का रकबा 25.33 वर्ग किलोमीटर कम हुआ है। अवैध कब्जे पट्टे देने की प्रथा बंद नहीं की गई तो रकबा और घटेगा। ये कमियां नहीं सुधरी तो आने वाले सालों में बाघ बाहर निकलेंगे और बाघ मानव के बीच संघर्ष की घटना होगी, दोनों को नुकसान होगा। बाघ जहां रह रहे हैं उन क्षेत्रों में पहले घना जंगल था, अब आबादी बस गई है, इसीलिए बाघों का आना नया नहीं है। वन्य प्राणी विशेषज्ञों का कहना है कि हम बाघों के रहवास तक पहुंचे हैं, वे शहर में नहीं आ रहे हैं। भोपाल के CCF रविंद्र सक्सेना ने बताया कि जंगल के अंदर घास के मैदान विकसित करने के प्रस्ताव पूर्व से हैं, उन पर काम कर रहे हैं। शाकाहारी वन्य प्राणियों जंगल में छोड़े जाएंगे। मध्य प्रदेश में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। यहाँ आगरमालवा विधानसभा सीट से भाजपा विधायक मनोहर ऊंटवाल का निधन हो गया है। गौरतलब है कि मनोहर ऊंटवाल को ब्रेन हैमरेज हुआ था। इसके बाद बेहतर इलाज के लिए उन्हें दिल्ली में रेफर किया गया था और वहाँ मेदांता अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मध्य प्रदेश में एक सीट और कम हुई। मनोहर ऊंटवाल के निधन से भाजपा को सियासी झटका भी लगा है, क्योंकि विधानसभा में भाजपा की एक सीट और कम हो गई है। गौरतलब है कि इससे पहले मुरैना जिले की जौरा विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक बनवारी लाल शर्मा का भी लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। शर्मा लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थे। भाजपा के वरिष्ठ नेता आगरमालवा विधानसभा सीट से भाजपा विधायक मनोहर ऊंटवाल का निधन भी हो गया है। गौरतलब है कि मनोहर ऊंटवाल को ब्रेन हैमरेज हुआ था। इसके बाद बेहतर इलाज के लिए उन्हें दिल्ली में रेफर किया गया था और वहां मेदांता अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। मनोहर ऊंटवाल का जन्म 19 जुलाई 1966 को हुआ था। 2014 में लोकसभा चुनाव में उन्होंने देवास संसदीय सीट से जीत हासिल कर सांसद बने थे, लेकिन बाद में 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने उन्हें आगरमालवा विधानसभा सीट से विधानसभा का टिकट देकर विधायक का चुनाव लड़वाया, जहां उन्होंने शानदार जीत हासिल की। मनोहर ऊंटवाल भाजपा के कद्दावर नेता थे और स्थानीय लोगों की समस्या को लेकर हमेशा मुखर रहे और संघर्ष करते रहे। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार के दौरान उन्होंने मंत्री पद भी संभाला था। एक अपने विधानसभा के साथी ना रहने पर उनके परिवार को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। मनोहर ऊंटवाल जी मेरे मित्र थे। आज का दिन मेरे लिए बड़ा दुखद दिन है। वर्षों मेरे साथ विधायक रहे, अभी भी विधायक थे, सांसद रहे, मेरे साथ मंत्रिमंडल के सदस्य भी रहे। अकस्मात ऐसे बीच से हमारे चले जाएंगे, मन को विश्वास नहीं होता। काल इतना भी क्रूर हो सकता है। अभी परसों ही मेदांता में मिला मैं उनसे। ऐसा लग रहा था कि जल्दी ठीक हो जाएंगे,
न जाने क्यों अत्यधिक वेदना के क्षण इस वक्त मेरे पास आए। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को यह गहन दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। नदी न्यास अध्यक्ष कंप्यूटर बाबा अपने निजी कार्यक्रम के लिए सिंगरौली पहुंचे थे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने कंप्यूटर बाबा के विरोध में जमकर नारेबाजी की और जिला प्रशासन को बाबा के समाधि लेने हेतु जमीन उपलब्ध कराने के लिए ज्ञापन दिया। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि कंप्यूटर बाबा ने कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अगर चुनाव में हार जाएंगे तो वो समाधि ले लेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। नदी न्यास अध्यक्ष कंप्यूटर बाबा का दिग्विजय सिंह की हार पर समाधि लेने वाला बयान अब उनके गले की हड्डी बन गया है। सिंगरौली में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कंप्यूटर बाबा के सिंगरौली पहुंचने पर विरोध किया और जिला प्रशासन को बाबा के लिए समाधि हेतु जमीन उपलब्ध कराने का ज्ञापन सौंपा। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने बाबा का विरोध करते हुए जमकर नारेबाजी की और कंप्यूटर बाबा समाधि लो, वापस जाओ और मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में कंप्यूटर बाबा ने कांग्रेस प्रत्याशी और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह की जीत का दावा किया था और उनके पक्ष में लोगों से वोट देने की अपील की थी। कंप्यूटर बाबा ने दम भरते हुए कहा था कि अगर दिग्विजय सिंह भोपाल में नहीं जीत पाते हैं तो वे समाधि ले लेंगे, लेकिन दिग्विजय सिंह की हार के बाद बाबा अपनी जवान से पलट गए और उन्होंने समाधि नहीं ली। इस मौके पर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन अलर्ट रहा। कंप्यूटर बाबा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कंप्यूटर बाबा वापस आओ, वापस जाओ, वापस जाओ। कंप्यूटर बाबा समाधि लो, समाधि लो, समाधि लो। कंप्यूटर बाबा समाधि लो, समाधि लो, समाधि लो। कंप्यूटर बाबा वापस आओ, वापस जाओ, वापस जाओ। कमलनाथ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कमलनाथ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कंप्यूटर बाबा वापस आओ, वापस जाओ। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मिंटो हॉल पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा आज देश को गांधी जी के विचार, सोच और उनकी बताई दिशा पर चलने की आवश्यकता है। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भोपाल के मिंटो हॉल स्थित गांधी प्रतिमा पर फूल अर्पित कर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर प्रदेश के सभी सरकारी कॉलेजों में महात्मा गांधी की प्रतिमा बनाए जाने की बात कही गई। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि पूरी दुनिया में गांधी जी के विचार, दिशा और सोच पर चलने की आवश्यकता है। देश के युवाओं को गांधी की विचारधाराओं को अपनाने की जरूरत है। इस दौरान कांग्रेस प्रवक्ता शोभा ओझा, जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा सहित कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे। गांधी जी की विचारधारा उसे अपनाएं, केवल भारत की बात नहीं पर विश्व में हम अमेरिका देखें, दक्षिण अमेरिका देखें, एशिया देखें, आज इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। और आज गांधी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। पर मैं आग्रह करता हूँ खास करके नई पीढ़ी से कि उनके विचारों से, उनकी सोच से जुड़े, क्योंकि यही भारत का भविष्य का रास्ता है। भोपाल कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस की मीडिया प्रभारी शोभा ओझा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि दी। शोभा ओझा ने भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि भाजपा के 15 साल में माफिया राज बढ़ा था, जो कि अब खत्म हो रहा है। अब प्रदेश में कानून का राज है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर कांग्रेस मीडिया प्रभारी शोभा ओझा ने श्रद्धांजलि दी और कहा कि देश के युवाओं को गांधी जी के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। गांधी जी के नेतृत्व में देश को आज़ादी मिली थी। महात्मा गांधी की विचारधारा, उनका संदेश नई पीढ़ी को जानना बहुत आवश्यक है। आज के समय जब देश बांटने वाली ताकतें बढ़ रही हैं, तो गांधी जी के संदेश को जन जन तक पहुंचाने की और भी आवश्यकता है। शोभा ओझा ने गृह मंत्री अमित शाह के मध्य प्रदेश के दौरे को लेकर कहा कि जनता भाजपा को जान चुकी है, अब कोई भी आए जनता बहकावे में नहीं आने वाली है। प्रदेश की जनता ने उन्हें नकार दिया है। भाजपा के 15 साल के कार्यकाल के दौरान माफिया राज बढ़ा है, जो कि अब खत्म हो रहा है। मध्य प्रदेश से बीजेपी का खात्मा हो चुका है। मध्य प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के 15 साल में जो माफिया राज था, उससे जनता को अब मुक्ति मिल चुकी है।
मध्य प्रदेश में अब कानून का राज है, और चाहे वो आरएसएस की विचारधारा हो, चाहे बीजेपी की विचारधारा हो, चाहे मोहन भागवत आए, चाहे अमित शाह आए, चाहे कोई भी आए, मध्य प्रदेश की जनता अब इनको नकार चुकी है, अब इनके जाल में वो फंसने वाली नहीं है। रायपुर में पंचायत चुनाव के बाद एक दिलचस्प मामला देखने को मिला। चुनाव में हारने के बाद प्रत्याशी ने बांटे गए मिक्सर और ग्राइंडर जनता से वापस मांगे तो लोगों ने सामान चौक पर लाकर रख दिया। अब इस मामले को पुलिस ने संज्ञान में लेते हुए जांच शुरू कर दी है। राजनीति का गंदापन अब पर्दे के पीछे का विषय नहीं रहा। रायपुर के आरंग तहसील में ग्राम भानसोच के पंचायत चुनाव में एक दिलचस्प मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि प्रत्याशी द्वारा चुनाव के दौरान मतदाताओं को लुभाने के लिए मिक्सर और ग्राइंडर सहित कई सामान बांटे गए थे। चुनाव हारने के बाद वार्ड क्रमांक 7 में प्रत्याशी ने मतदाता से सामान वापस करने को कहा तो लोगों ने मिक्सर और ग्राइंडर को चौक पर लाकर रख दिया, जिसको देखने के लिए भीड़ जमा होने लगी। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अब इस मामले में जांच शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ में नक्सली लगातार खुद की मुखबिरी करने वाले लोगों को मौत के घाट उतार रहे हैं। राजनांदगांव में नक्सलियों ने एक युवक को मुखबिर मानते हुए उसकी हत्या कर दी। नक्सल प्रभावित राजनांदगांव जिले के बागनदी क्षेत्र के सीतागोटा के कोढ़ी टोला एक नौजवान युवक की नक्सलियों ने हत्या कर दी। बीती रात को नक्सलियों ने लालजी यादव नामक ग्रामीण को मुखबिरी के शक पर मौत के घाट उतार दिया। सूत्रों का कहना है कि पिछले वर्ष 3 अगस्त को शहीद सप्ताह के दौरान इसी इलाके में पुलिस के हाथों 7 नक्सलियों के मारे जाने की घटना से भी इस वारदात को जोड़कर देखा जा रहा है। घटनास्थल पर नक्सलियों ने पर्चे भी फेंके हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने वहां से युवक का शव हटवा दिया है और पर्चे जब्त किए हैं, जिसको लेकर गाँव में दहशत फैल गई है। अज्ञात नक्सलियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना के बाद क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी गई है। भानपुरी थाना के पुजारी पारा गांव में आज सुबह घर के बाहर रखी पैरावट में अचानक आग लग गई। पैरावट के पास खेल रहे 2 बच्चे इस आग की चपेट में आ गए, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। जगदलपुर भानपुरी थाना के पुजारी पारा गांव में आज सुबह घर के बाहर रखी पैरावट में अचानक आग लग गई, जिसमें 2 बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए। झुलसे बच्चों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान दोनों ही बच्चों की मौत हो गई। बच्चों की उम्र 3 से 4 साल बताई जा रही है। कनपाल ग्राम पंचायत के पुजारी पारा गाँव में ये हादसा हुआ है। 3 साल के भरत और 4 साल के मधुसूदन आंगनबाड़ी में पढ़ते थे। दोनों हादसे वाले दिन आंगनबाड़ी नहीं गए और घर के बाहर रखे पैरावट में खेल रहे थे। इसी दौरान पैरावट में आग लग गई, जिसमें दोनों बच्चे झुलस गए और उनकी मृत्यु हो गई। अचानक से पैरा जला, उसके बाद क्या है, पैरा जलने के बाद हम लोग बच्चे लोग में फंस गए रहे। उसके बाद देखे और हॉस्पिटल ले आए, पूरा 100% जले हुए रहे। बच्चे का एक जन का मधु पिता नाथुराम, और एक जन का है भरत पिता मनीराम, और दोनों भाई हैं। दोनों भाई के लड़के रहे, सगा भाई हैं। 31 जनवरी से 2 फरवरी तक अमरकंटक में जिला प्रशासन नर्मदा महोत्सव का आयोजन कर रहा है। 31 जनवरी को मुख्यमंत्री इस महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। 1 फरवरी को नर्मदा जयंती महोत्सव पर प्रसिद्ध गायिका मैथिली ठाकुर और 2 फरवरी को गायक कैलाश खेर प्रस्तुति देंगे। नर्मदा जयंती महोत्सव को भव्य रूप दिया जा रहा है, ताकि अमरकंटक विश्व पर्यटन के मानचित्र पर अपनी जगह बना सके। नर्मदा जयंती के अवसर पर जिला प्रशासन ने नर्मदा महोत्सव का आयोजन कर पहली बार विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए हैं। आयोजन की तैयारियों को लेकर DIG शहडोल रेंज PS उइके ने आयोजन में प्रयुक्त होने वाले कार्यक्रम स्थलों की व्यवस्थाओं व सुरक्षा प्लान की समीक्षा की। नर्मदा नदी क्षेत्र में माँ के रूप में पूजी जाती है। महोत्सव के दौरान अमरकंटक नगरीय क्षेत्र में मां नर्मदा की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। पारंपरिक रूप से निकलने वाली इस यात्रा में इस बार स्थानीय जनजातीय समूह के द्वारा लोक नृत्य आयोजित किया जाएगा। महोत्सव के दौरान मां नर्मदा मंदिर के साथ साथ प्रतिदिन मां नर्मदा तट रामघाट में भव्य महाआरती का आयोजन किया जाएगा। 7 पुजारियों द्वारा एक साथ आरती की जाएगी। इस दौरान मां नर्मदा के जीवन पर आधारित लाइट एवं साउंड शो आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही शहर के कई स्थलों में महाआरती के सीधे प्रसारण की व्यवस्था रहेगी। 108 कुंडलीय यज्ञ क्षेत्र की समृद्धि, खुशहाली व दैव्य आशीर्वाद के लिए महोत्सव के समापन दिवस के 108 कुंडलीय यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज़। दखल आपके हक में।
संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।